Good afternoon, everyone. So I hope my audio and video are clear. You can just ping in the on the chat. Yeah. So आज हम लोग देखेंगे कि लाइक हाउ टू क्विकली एनालाइज अ स्टॉक, बेसिक्स, उसके फंडामेंटल्स एंड उसके टेक्निकल्स कैसे क्विकली एनालाइज करना यूजिंग सम पावरफुल टूल्स. वो चीजें हम लोग देखेंगे. एंड वील ऑल्सो लुक इन टू लाइक, इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि लाइक कैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेटा भी देख देख के हम लोग स्टॉक्स को एनालाइज किया जा सकता है, उसका करंट मोमेंटम एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स. सो स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए बेसिकली आपको ऐप में, यहाँ पे मतलब मैं आपको बताता हूँ, इफ यू हैव ICICI डायरेक्ट अकाउंट तो आप सिंपली रिसर्च सेक्शन में यहाँ पे जा सकते हैं, एंड यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट सेक्शन में जा सकते हैं. यहाँ पे आपको ऑल टाइप्स ऑफ चार्ट्स यहाँ पे मिलेंगे. सो इफ यू क्लिक ऑन टेक्निकल चार्ट्स तो आपको यहाँ पे फुल टेक्निकल चार्ट यहाँ पे मिल जाएगा. एंड इस चार्ट पे यू कैन डू लाइक एवरी टाइप ऑफ एनालिसिस. आपको जो भी, इफ यू वॉन्ट टू डू फुल स्क्रीन तो यू कैन डू फुल स्क्रीन. इफ यू वॉन्ट यू कैन प्लेस ऑर्डर्स डायरेक्टली फ्रॉम द चार्ट्स. सो ये सब चीजें भी कर सकते हैं. एंड हेयर फीचर्स, यहाँ पे देर आर लाइक मल्टीपल फीचर्स की यू कैन ऐड टू चार्ट्स, यू कैन ऐड लाइक टू चार्ट्स. सो जस्ट लाइक दिस, लेट सपोज दिस चार्ट एंड ICICI, लेट सपोज दिस चार्ट. सो यू कैन ऐड हेयर लाइक यू कैन लुक इन टू टू चार्ट साइमल्टेनियसली. सिमिलरली फोर चार्ट के भी फीचर्स हैं. सो बेसिकली हाउ यू, दिस इज हाउ यू कैन, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक इट इज लोडिंग. आई थिंक मे बी दे आर हैविंग सम डाउन टाइम और समथिंग. सो इट यूजली लोड. सो जस्ट अ सेकेंड. जस्ट लेट सपोज, ओके. सो हेयर आई थिंक वी सिलेक्टेड थोड़े इररिलेवेंट सिंबल्स. तो सपोज सब लेट सपोज कोई भी ऐसे यू वांट टू सेलेक्ट जो भी चार है. HDFC, AMC, ठीक है. सो हेयर यू कैन बेसिकली सेलेक्ट द चार्ट्स एंड दोनों दो दो मल्टीपल चार्ट्स यू कैन एनालाइज साइमल्टेनियसली. सो इन दिस वे यू कैन डू दैट. सो यहाँ से दिस इज बेसिकली अबाउट चार्ट्स. यहाँ पे व्हाट हैपेंस इज कि जस्ट बिलो चार्ट्स देर इज फुल फंडामेंटल एनालिसिस के लिए भी यू हैव ऑल द एंटायर डेटा, एवरीथिंग लाइव फ्रॉम NSE. सो बेसिकली लेट सपोज यू हैव टू एनालाइज बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड. सो बेसिकली यू हैव टू लुक इन टू कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स ऑलवेज, बिकॉज स्टैंड अलोन स्टेटमेंट कंपनी की उस पर्टिकुलर एंटिटी की वी शुडेंट बी केयर्ड अबाउट मच. ओवरऑल एज अ कंपनी किस तरीके से लाइक इट इज ग्रोइंग, बिकॉज एट द एंड दिस इज हाउ द स्टॉक प्राइस इज लाइक रिएक्ट. ओवरऑल पूरा के पूरे सारे कंपनी के सारे डिविजन्स विच आर रजिस्टर्ड ऑन टू द एक्सचेंज उस कंपनी के अंडर, यू हैव टू लुक इन टू ऑन टू दैट. सो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट्स यू हैव टू लुक. सो इसमें आप बेसिकली जैसे लेट सपोज हेयर 5 ईयर्स की बैलेंस शीट है. हेयर यू कैन सी ऑल टाइप्स ऑफ डेटा की ओके इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है एंड टोटल शेयर कैपिटल क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी जो भी यहाँ पे डेटास हैं. अब मैं हम लोग जैसे बेसिक एक जनरल पैटर्न्स होता है कि लेट सपोज कंपनी के हम लोग ये देखते हैं कि टोटल एसेट्स देखते हैं. तो टोटल एसेट्स मार्च 2017 से 2021 तक अगर देखते हैं तो देखिए टोटल एसेट्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं. कंसिस्टेंटली टोटल एसेट्स कंपनी के बढ़ते ही जा रहे हैं, काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं. मतलब 50% का ग्रोथ हुआ है एसेट्स में. एंड ये चीज है. अगर आप उसके बाद कंपनी का सिमिलर तरीके से अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे
कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस कितने एक्सरसाइज हुए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी के जब लाइक ड्यूरिंग 2017-18 जब लाइक ड्यूरिंग मेनली इलेक्शंस के बाद से, जब से व्हेन द गवर्नमेंट वाज री इलेक्टेड, वी सॉ कि काफी ज्यादा ईएसओप्स एक्सरसाइज हुए थे. इसका मतलब कि काफी एम्प्लॉयज को ट्रस्ट आया था कि हाँ बैंक अच्छा ऐसा है. अभी ड्यू टू फिर उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशंस लाइक ये 2019 में देयर वाज यूएस चाइना ट्रेड वॉर एंड देन अगेन कोविड एंड ऑल ये सब चीजें आ गई, तो पीपल आर नॉट उतना ज्यादा नहीं एक्सरसाइज हुआ. बट द थिंग इज इट इज कंपनी इज हैविंग हेल्दी एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस यूजुअली, सो दिस इज ऑल्सो गुड. तो कंपनी के अंदर जो है वो ट्रस्ट एंड ऑल भी बना हुआ है. देर आर मल्टीपल थिंग्स एक्चुअली. बैंकिंग सेक्टर इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, सो आई विल एक्सप्लेन सेक्टर वाइज थिंग्स इन सम अदर वीडियो. तो आप बेसिकली यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, अगर आप कंपनी के पीएनएल स्टेटमेंट को आप अगर देखते हैं, लेट सपोज पीएनएल स्टेटमेंट को आप देखते हैं, तो प्रॉफिट लॉस का आप चेक कर, इफ यू विल सी तो टोटल इनकम ऑफ द कंपनी, जस्ट अ सेकेंड, इफ यू लुक एट अर्निंग पर शेयर हम लोग बस देखते हैं. सो अर्निंग पर शेयर इज बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अर्निंग पर शेयर जो बेसिकली 15.91 से स्टार्ट होके 27.26 तक बढ़ते ही गया है, लगातार. सो देर हैव बीन टाइम्स जब ड्यू टू क्राइसिस, यूएस चाइना ट्रेड वॉर का ही समय चल रहा था एक्चुअली, सो देर वाज क्राइसिस, लिक्विडिटी क्राइसिस एज वेल. सो उस टाइम पे देर वाज द बैंकिंग सिस्टम, बैंक्स वर परफॉर्मिंग, बट अगेन लाइक ग्रोथ वाइज इफ यू लुक तो उतना ईपीएस वाइज दे वर नॉट गिविंग दैट मच ग्रोथ. सो ड्यू टू दैट बेसिकली ये थोड़ा डाउनफॉल दिख रहा है. बट अगेन इफ यू लुक तो 5 सालों में बेसिकली ऑलमोस्ट डबल, 80% के आसपास हो चुका है ये. सो दिस इज गुड ग्रोथ. एंड इफ यू लुक इन टू टोटल इनकम भी, अगर इफ यू सी तो टोटल इनकम इज ऑल्सो इंक्रीज, 50% से लगभग इंक्रीज हो गई टोटल इनकम. सो इट इज गुड ग्रोथ फॉर द कंपनी. सो सिमिलरली यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट, हाफ ईयरली रिजल्ट एंड ऑल जो भी चीजें हैं, ये सारे ऑल द स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रेशियोज की कौन कौन सा बेसिक जो भी है, अगर इफ यू लुक इफ यू लुक नेट प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सारी चीजें. सो इट इज सजेस्टिंग कि किस टाइप की ग्रोथ है कंपनी का. सो इन दिस वे यू कैन एनालाइज. उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप यू कैन सी कि अच्छा इतने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है मार्केट में, जिसमें या सो जिसमें इफ यू लुक इन टू दिस, तो सारे प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स एंड ऑल ये सारे मिला के जो भी डोमेस्टिक परसेंटेज, ये नॉन बैंक म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, जस्ट सेकेंड, देयर इज, हाँ सो यहाँ पे DIIs जितने भी हैं वो किस कौन कौन से फॉर्म के DIIs हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशनड है. शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे मेंशनड है कि ओके ये किस टाइप का पैटर्न है. एंड देन इफ यू लुक इनटू इंस्टीट्यूशंस, तो किसने कितना लिया है परसेंटेज वाइज, वो सारी चीजें भी मेंशन है. FIIs भी कितना परसेंटेज लिए हैं, तो ये सब चीजों से पता चलता है बेसिकली कि अगर FIIs ज्यादा होल्डिंग करके रखे हैं और इंस्टीट्यूशन ज्यादा होल्डिंग करके रखे हैं, वो स्टॉक काफी अच्छा है, किस टाइप का स्टॉक है. दिस इज वन, ये सब चीजें पता चलती है. एंड देन कंपनी के बारे में ऑल द डिटेल्स, एड्रेस वाइज एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स ऑफ द कंपनी, की एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी, की आप कौन कौन मेजर मेजर लोग हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन कि किसका क्या रोल है, हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, एवरीथिंग, ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी कंपनी के बारे में फॉर फंडामेंटल एनालिसिस एंड रिसर्च के लिए चाहिए, वो सारी चीजें अवेलेबल है. फॉर एवरी स्टॉक इट इज अवेलेबल, जस्ट एट फिंगर टिप्स. तो ऑल दीज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शंस की, अच्छा डिविडेंड कब अनाउंस हो, जैसे बोनस लास्ट कब अनाउंस हुआ था, आगे की अनाउंसमेंट्स भी यहाँ पे लिखेंगे, और ये हुआ था राइट्स इशू कब हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, स्प्लिट्स कब हुआ था, वो स्टॉक की सारी डिटेल्स हैं, डिविडेंड कब कब कैसे कैसे कितना परसेंटेज क्या आया, सब कुछ यहाँ पे क्लियरली पूरी डिटेल्स मेंशनड है. उसके बाद कंपनी में यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल है, उसके बाद ऑडिटर
जो भी अगर लेट सपोज रजिस्टर्ड ऑडिटर से ऑडिटिंग हुई होती है रिसेंट, ये बेसिकली सिर्फ लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट का दिखाता है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि एवरी क्वार्टर रजिस्टर्ड ऑडिटर से आप ऑडिटिंग करवाएं रिजल्ट्स की. सो इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है. फिर इसके बाद रिसेंट अगर कोई भी चेयरमैन की लास्ट जो स्पीच वगैरह शेयर होल्डर्स के लिए जो रहती है, वो बेसिक चीज जिससे यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या बिलीफ एंड थॉट्स क्या है, डायरेक्टर्स की पूरी रिपोर्ट है कि हाँ व्हाट इज द उनका क्या है फाइनेंशियल हाईलाइट, सारी चीजें, एवरीथिंग इज डिस्क्लोज्ड, एवरीथिंग मतलब ऑल द थिंग्स एट वन प्लेस, ऑल द थिंग्स, यू हैव फाइनेंशियल हाईलाइट्स, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, डिविडेंड किसको कितना क्या मिला, ऑल द टर्म्स कंडीशन, सब कुछ मतलब ऑल द डिटेल्स अबाउट एवरीथिंग इज मेंशनड. एंड उसके बाद इफ यू हैव मतलब ये बेसिकली यहाँ पे ये फ्यूल सी, तो ये जितने भी क्या है बेसिकली नोट्स टू अकाउंट्स आर दोस एंट्रीज जो मतलब जब जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो ने जो जो ट्रांजैक्शंस किए हैं जिस जिस तरीके से जो जो किए हैं, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे मेंशनड है. सो यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ कंपनी ने जो भी सब कुछ डिस्क्लोज किया है उसका बेसिक हाइलाइट्स के फॉर्म में एवरीथिंग इज मेंशन. तो यू मतलब इतना डीप लेवल पे इंफॉर्मेशन मेंशनड है एंड ऑल उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो बैंक की मतलब बेसिकली किस बेसिस पे, क्योंकि जैसे सब बैंक तो ये हर मतलब यहाँ पे टैब्स विल चेंज डिपेंडिंग ऑन स्टॉक्स एंड ऑल, तो दीज आर दर कंडीशंस एंड ऑल जिस पे ये काम करता है. सो ये सारी चीजें यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा लेट सपोज इफ यू आइडेंटिफाई कि देर इज समथिंग फिशी और समथिंग गोइंग ऑन, तो यू कैन लुक इनटू द पॉलिसीज एंड रूल्स के वाइज कि अच्छा यू कैन अंडरस्टैंड कि ओके वेदर दैट रूल वाज वायलेबल और नॉट. ओके सो यू कैन लुक, सो दीज आर द वेरियस ऑप्शंस, लाइक दीज आर वेरियस वेज इन विच यू कैन एनालाइज द स्टॉक ऑफ अ कंपनी. सो लाइक ऑल द इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल एट वन प्लेस, हिस्टोरिकल शेयर प्राइस कि वॉट आर द शेयर प्राइसेस, बेसिक ट्रेडेड वॉल्यूम एंड एवरीथिंग, ईयरली हाई लो, ऑल द डेटा, सो दैट यू हैव एवरीथिंग एट वन प्लेस टू लाइक एनालाइज अ स्टॉक फंडामेंटली एंड टेक्निकली. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव ऑल द न्यूज रिलेटेड टू द कंपनी एज वेल, एवरी डे रिलेटेड टू द न्यूज, ऑल द डे टू डे न्यूज रिलेटेड टू द कंपनी, यू कैन सी क्लिक हियर एंड सी ऑल द न्यूज लाइक डेट वाइज न्यूज ऑफ द कंपनी, एवरी थिंग विच एवर वॉज डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज एज पर रूल्स, सो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज एवरीथिंग, एंड देन इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज, ऑल द इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज, एंड देन यू कैन ऑल्सो क्लासीफाई सर्टेन ग्रुप्स, लाइक यू कैन फॉर्म योर ओन ग्रुप्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, सो यू कैन लुक वॉच द न्यूज ऑफ ऑल दो स्टॉक्स एट लाइक वन प्लेस. एंड देन सी हेयर अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो हैव द स्वॉट एनालिसिस फीचर. सो स्वॉट एनालिसिस बेसिकली इट इज अनदर फंडामेंटल एनालिसिस प्रिंसिपल. सो बेसिकली हेयर लाइक ऑल द टेक यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस वाइज, लाइक वॉट इज द सिग्नल ऑफ द स्टॉक बेसिक एज पर द स्वॉट एनालिसिस, व्हाट इज द सिग्नल ऑफ द स्टॉक, ऑल दीज थिंग्स डायरेक्टली. सो लाइक यू कैन फाइंड कि ओके 5 डे मूविंग एवरेजेस आर प्लेस्ड हियर, सो यू विल फाइंड दीज मूविंग एवरेजेस आर एक्ट लाइक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस. सो इफ यू इट इज ट्राइंग टू क्रॉस दैट लाइन इट विल बी डिफिकल्ट, इफ इट्स फ्रॉम डाउन साइड, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अपसाइड इट विल टेक सपोर्ट फ्रॉम दीज लाइन्स, इट इज आई लाइक इट मे और मे नॉट टेक, बट आइडियली लाइक दीज लाइन्स टेंड टू टेक एक्ट एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन्स. सिमिलरली लाइक यू कैन फाइंड एज पर द फिबोनाची पाइवट फिबोनाची सीरीज द पाइवट लेवल्स द रेजिस्टेंस लेवल्स एंड ऑल दीज लेवल्स आर गिवन. सो प्राइस चेंजेस ओवर मंथ एंड एवरीथिंग आर गिवन, आर एस आई, मैकडी, दोज लेवल. सो बेसिकली टेक्निकली ऑल दीज ऑल द इंडिकेटर्स आर प्रेजेंट विच आर लाइक विच कैन बी यूज टू एनालाइज अ स्टॉक. सो लाइक एवरी लाइक वेरी डिटेल्ड एनालिसिस एंड वेरी डिटेल्ड थिंग्स आर गिवन हियर, लाइक ओवरऑल यू कैन फाइंड ओवरव्यू ऑफ द कंपनी, यू कैन क्लिक हियर एंड फाइंड ओवरव्यू ऑफ द कंपनी की मार्केट कैप इज इतना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज दिस, इट इज अबव इंडस्ट्री, सो प्राइस टू ट्रेलिंग अर्निंग रेशियो ऑफ ट्रेलिंग 12 months इज बेसिकली अबव इंडस्ट्री, मार्केट कैप वाइज इट इज एक्चुअली कैटेगराइज, यू हैव यू डोंट हैव टू लुक इन टू अदर कंपनीज, बेसिकली फॉर समरी वाइज यू कैन यू गेट एवरीथिंग हेयर ओनली, सो इट इज मार्केट रनर.
रेशियो ऑफ ट्रेलिंग 12 months इज अगेन अबव इंडस्ट्री, प्राइस टू बुक वैल्यू इज हाई इंडस्ट्री, एवरीथिंग, ऑल दीज इंफॉर्मेशन, नेट प्रॉफिट, बेसिक ईपीएस, ऑल दीज थिंग्स, 100% इंक्रीमेंट ओवर लास्ट ईयर, आरएसआई मिड रेंज, एवरीथिंग यू हैव फाउंड, लाइक एवरीथिंग यू हैव एट वन प्लेस, देन स्वॉट एनालिसिस, डेटा वाइज, ऑल द थिंग्स लाइक स्ट्रेंथ वाइज यू कैन फाइंड कि ओके कंपनी इज ऑल द थिंग्स लाइक स्ट्रेंथ वाइज, ऑल बेसिकली लाइक ऑल द फैक्टर्स विच इंडिकेट विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, देन वीकनेसेस ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो हाईलाइटेड हेयर, एंड देन द अपॉर्चुनिटी वाइज पॉइंट्स, एंड देन थ्रेट्स टू द कंपनी, सो एवरीथिंग इज लाइक प्रेजेंट हेयर, एंड लाइक न्यूज, ऑल द न्यूज, all the block deals, if you look here, all the block deals, all the bulk and block deals data are present here, ki when the bulk deals and block deals happened, all the data, insider trading means employees of the company's trading, not that type of insider trading. It is actually different. It is if the employees of a company of the company are buying selling shares on like basically if you buy or sell shares above a certain percentage, which is basically 0.5% or 1 crore of the amount, so you have to declare that as well. And like if you are just like th that goes into bulk or block deals. And if you are the employee of a company, and if you are buying selling more than 10 lakhs, so you have to disclose. And then corporate action wise, all the dividend bonus which we just saw, board meetings, even all the things, shareholding pattern is also disclosed, that promoters and mutual funds are holding this much, everything. So all the data is present here. All the like mutual MF mutual funds, which mutual funds companies are holding this stock, which for FIIs, how is the holding pattern, and then here again all the like shareholding pattern wise, like which FII is holding how much shares, all the data are given here, and summary wise ki FII holding has increased, MF holding has decreased, all these things actually like everything available at one place. So this is how you can do the technical plus fundamental analysis of like a stock. And then apart from that, there is very powerful screener. Very powerful screener. If you want to, like, let's suppose if you develop a strategy, let's suppose candlestick wise, if you develop a strategy that, let's suppose technical strategies, let's suppose if you have to like search all the stocks which where the MACD signal is, MACD crossover is present, and it is actually MACD is signaling, let's suppose, a positive upside. Let's suppose this type of signal you want to apply. So you actually like you find all the stocks where this thing is happening. So like you from one click you can click on buy sell. So like based on signals as well, you can quickly you can click here and to make the analysis of the stock technical wise and all these things. So I see how bullish the stock is immediately. See how bullish, and we even recommended Bajaj Finserv like last if you recall on Friday. We recommended Bajaj Finserv, so it has again hit 52-week high. So look at the momentum in the stock. Look at the momentum. See, look at the momentum. So everything is like in this way. You can basically analyze a stock. You can use the Silence tool, which is very powerful screener. You can use this for screening out fundamental companies as well, like good quarterly growth and results, net cash flow and cash flow from operating operating activities, if it is rising. You can filter out companies based on parameters you want, or you think that okay, in this type of market you have to look out for only those companies. Let's suppose during falling markets you have to look out for only those companies which have sustainable like profits, and NPS are also not rising. So you can let's suppose you can click here and you can filter out those companies, and then in the list of those companies you can filter out okay, all stocks,
और यू जस्ट वॉन्ट लार्ज कैप्स और इंडेक्सेस वाइज यू कैन फिल्टर आउट बैंक मिड कैप वॉट एवर. सो लेट सपोज इफ यू फिल्टर आउट की यू यू आर लुकिंग फॉर इन मिड कैप सेक्टर्स, यू आर लुकिंग इफ यू हैव सम मिड कैप म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स एंड इफ यू आर स्केयर्ड दैट वॉट विल हैपन, सो यू कैन लुक इन टू दिस की ओके इन मिड कैप्स लेट्स लुक इन टू की ओके वॉट दीज कंपनीज आर बेसिकली ओके परफॉर्मिंग फाइन. ओके सो लाइक क्विकली यू कैन हैव अ लुक हेयर इंडिकेटर वाइज. And this indicator is actually very powerful. Technical, fundamental growth, value, even like you can basically like here if you'll find all the types of stocks, you can basically like find many types like even value investing wise. Just a second, let me show you the value investing screeners. So you can basically like find okay profit making companies which have like high ROCE and very low price to earning. So these companies are very undervalued, very undervalued. So you can buy these companies. See, look at these companies. Quick, see, you'll find these companies recommended multiple times over the like if you look here, you'll find these companies recommended multiple times over the group. Petronet LNG, Gujarat GSPL, Chambal Fertilizers, if you'll find it is in our value investing portfolio, Granules India, Phillip Carbon, Triveni Turbines and Triveni Engineering's, and like Manappuram as well. So you'll find most of the times like these screeners are very quick, like very powerful actually. Like it saves a lot of time and effort. So you can quickly using these screeners, you can find the company and then you can analyze ki, okay where the whether the company is making profits or not. So all these features are available in ICICI Direct account, and like if you want to invest with us and everything, so you can directly DM me and open an account using our link, so where you can analyze all these features. Now let us look at one more part of the session where we'll basically use FNO data analysis, where which is basically mainly used by the traders. So if you are FNO trader and if you want, so if you are a trader trading wise, if you want short term analysis wise things, so here is the entire futures dashboard of IIFL. So it is available for all the account holders. And if you are not having an account, so you can open using our link. So which can where you'll be able to see, like you'll be able to attend future webinars also, where I'll explain all the details how to use these dashboards to quickly analyze the stocks. So here, like if you see here, first thing is like various types of futures dashboard wise, various types of top five stocks based on different future and option data are present here. So as per price gaining action, top five stocks as per increase in futures price, as per top five losers, and then contract gainers, open interest, number of like where the most action is happening. See, सारी भीड़ यहाँ पे, ऑल द लाइक क्राउड, एंटायर क्राउड इज हेयर, एंटायर क्राउड इज ट्रेडिंग ऑन यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड एंड द स्टॉक प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो यू सी व्हेन यू हैव टू इन इफ यू आर अ ट्रेडर यू हैव टू बी वेयर द एक्शन इज. इट इज जस्ट लाइक स्टैंडिंग एंड इन द रिंग ऑफ बीएससी एंड जस्ट लुकिंग एट पीपल की विच स्टॉक्स आर पीपल आर शाउटिंग एंड विच स्टॉक्स आर फेमस. इट इज जस्ट लाइक दैट. See where the action is happening here in, see where the action happened on Friday on United Breweries, McDowell. These two stocks are basically like I just told, I was say, saying as reopening comes, banks and these alcohol stocks will be like on the rise because due to reopenings you'll find like there are multi heavy queues at the like all the alcohol selling places. And like again auto ancillary stocks and then again financial companies, because as like on the group again I mentioned recently that as US prices have hit all-time high, so Indian prices will also kind of replicate the same manner.
सो लाइक यू आर फाइंडिंग एक्शन गोइंग ऑन इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, पीपल आर गेट टेकिंग लोन, सो दिस विल कम, दिस विल अगेन इफेक्ट ऑन रियल स्टेट कंपनीज. डेफिनेटली रियल स्टेट स्टॉक्स हैज लाइक दे विल डेफिनेटली बूम इन कमिंग डेज, बिकॉज व्हेन पीपल टेक लोन्स दे विल बेसिकली आफ्टर टेकिंग लोन्स दे विल डेफिनेटली गो फॉर बाइंग रियल इस्टेट मीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रॉम हाउसिंग लोन कंपनीज. एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट वाइज वेयर मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्टिव, सो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑब्वियसली इंडेक्सेस आर हैवीएस्ट. सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल फाइंड दैट ओवरऑल इन दिस मंथ ओवरऑल एक्टिव फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट इन अडानी इंटरप्राइजेस, रिलायंस, SBI, सो which means that total these many like either buying or selling, but like highest volume wise overall in the entire month, these are the stocks. So obviously at the end of the month, contracts have to be squared off. So if it is a buying action, they will have to square off and sell. They can roll over, but again while rolling over again they'll have to sell. So this again gives a signal ki okay where the stock can move in the coming time. Because obviously till expiry they have to square off the positions. Open interest gainers wise, where the see here you can clearly see price is also increasing and open interest is also increasing. Open interest is increasing means more people are interested in either buying or selling that stock, whatever action is going on. But number of contracts are increasing, so which means if something like if price is increasing and open interest is increasing, then that means it is a long buildup. People are buying. And let's suppose if price is decreasing and open, sorry, if price is decreasing and open interest is also decreasing, then that means people are booking profits. It is called long unwinding or booking profits. So similarly, so here you can clearly see India Bulls Housing Finance, clearly long buildup, UBL long buildup, Bharat Forge long buildup, clearly UBL, all these stocks. Open interest losers wise, if you'll see open interest losers wise, so Marico, if you'll see price is also decreasing in Marico and open interest is also decreasing, so which means that people who have bought earlier are now selling and booking profits. See, price is decreasing and open interest is decreasing, but still open interest is positive. Okay. It is not like open interest is decreasing with price decreasing, which means like it is kind of people are booking profits who bought earlier. Similar, so here like you can see in FMCG stocks, basically like people book profits. Similarly here like in futures, see many times futures are prices are like above the current market price of a stock or sometimes down as well, so those premiums or discounts are given here. Like if price is up above the current price, then it is a premium, and if it is trading below, then it is a discount. So percentage wise it is mentioned highest premium or discount. So Bank Nifty is trading at a premium, that means people think that in future Bank Nifty price will increase. So that means this is like Bank Nifty will increase. That is why people are ready to pay a premium, pay more. Now, second is futures heat map. Where you can see a gist of the entire market, sector wise, everything. Also, and you can basically filter based on the buildup, long buildup. You can filter all the stocks which have long buildup. Price is also increasing. Open interest is also increasing. So if you click on any, if you move on any stock, you will find all the data, futures, spot, open interest, percentage change in OI, percentage change, everything. So you'll find percentage change in OI is 38.39% here. If you'll see, if you'll move, hover over a stock, 38.39%, and price has also increased, clearly long buildup. Similarly, long unwinding is means profit booking. So here profit bookings was happening in these stocks. Similarly, short buildup means open interest is increasing and price is decreasing. If open interest is increasing and price is decreasing, means people are selling. So that is short buildup, short selling, short buildup. And if open interest is increasing, or sorry, decreasing, if open interest is decreasing and price is increasing, that means people who have sold earlier are now buying back. That means short covering. So these are the based on buildup wise also you can filter out the stocks dashboard wise.
एंड इंडिविजुअली ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई द फ्यूचर ट्रेंड्स. ऑल द स्टॉक हेयर ऑल्सो इट इज क्लियरली बिल्डअप वाइज, इट इज ऑल्सो रिटर्न, बट अगेन यू हैव टू एनालाइज वेदर द बिल्डअप इज स्ट्रॉन्ग और नॉट. सो टाटा मोटर्स लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल, सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 3%, एंड इफ यूल फाइंड ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट चेंज इज 5.38%. सो लाइक फाइव लाइक बेसिकली 5.5% मोर कॉन्ट्रैक्ट्स वर रिटन एंड ओपन इंटरेस्ट लाइक प्राइस चेंज बाई 3%, विच मीन्स दैट आफ्टर लाइक बेसिकली 3% ऑफ दीज पीपल हैव बॉट एंड द रिमेनिंग हैव बेसिकली ट्रेडेड. सो इट इज अ गुड वॉल्यूम बेसिकली, लाइक मोर देन 50% ऑफ दिस इज हेयर. सो दैट मीन्स दैट इट इज अ गुड टाइप ऑफ गुड लॉन्ग बिल्डअप. सो दिस इज अ गुड लॉन्ग बिल्डअप. On the other hand, like let's suppose here in Adani Ports, you will find percentage change in price is 1%, but open interest change is very low. So it is not very strong long buildup. Even you will find that volume has decreased actually in comparison to yesterday. So all these things indicate that it is very like very few people traded here. So you should basically like be careful. You should not trust the buildup here. So this comes with experience later on. You'll understand what types of how to analyze, or like I'll suggest you, there are clear tactics on how to identify, which will be a very detailed topic, but I'll try to cover in future sessions. So now here the options dashboard is also given. So option premium wise, option data wise, all the data is mentioned here. Clearly, all the data is coming here. So, like, you can clearly find what type of stocks, like option chain wise, you can clearly find like most active contracts are where most active contracts are present, where it is not present. So, if you look at into call options, so most active contracts are present in Nifty 16,000 call options, which means that, see, call writers means that people are betting that Nifty will not cross 16,000. See, look at here. Call option data is suggesting that Nifty will basically form a top somewhere around 16,000. If you'll see, then again 15,700, again there is huge call writing. So there are many people who are saying that even Nifty will bought like for reverse from 15,700, and then many people that maximum 16,000. So it is clearly, even in Bank Nifty also you'll find that there is huge call option call writing. So here you'll find Nifty Bank Nifty contracts only, top most active contracts trading here. Similarly, if you look into put contracts, so put here you'll find call contracts are 54,600 volume, put contract is 45,000. So call is higher than put. Put means people are betting that Nifty will not go below 15,500 in this expiry by this month. By this month end, this will not go below this. So there are many people who are betting these Nifty put options wise also. Basically, these two, like if you look into the action of these two, you come to a conclusion that mostly Nifty will be kind of flat, and mostly it will be flat, and it will be trading, and mostly it will be flat, and mostly it will be trading in range as of now. As per the current status, it is like these things are kind of evident. Now, similarly, if you see here, Bharat Forge, which we saw earlier, here again put writing is here on at 720, which means that people are saying that Bharat Forges will not go below 720. So in the previous like dashboards, we analyzed that it was going above. So obviously this is also logical. So the supports, if somebody is looking for trade in Bharat Forge, which if you recall, many of us booked like good profits in Bharat Forge trade on Friday. So clearly, like futures FNO data apart from charts was clearly indicating a very strong buildup in Bharat Forge. And apart from that, like similarly, OI gainers, OI losers also you can see here. Then there is option chain, entire option chain data. So option chain wise also you can basically search any individual stock, like let's suppose any stock you want to search, you can basically search option chain data wise and all that. Like
यू कैन एनालाइज, बट ओवरऑल यू यू कैन अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स हेयर एज वेल, ओआई गेनर्स, ओआई लूजर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा यू कैन लाइक अप्लाई फिल्टर्स. ऑप्शन चेन एनालिसिस इज एक्चुअली एन एडवांस टॉपिक, सो लाइक लेट्स लीव दैट टॉपिक फॉर नाउ इन दिस वेबिनार. आई थिंक ओवरऑल आई हैव एक्सप्लेन प्रिटी मच अ लॉट, सो इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन राइट ऑन द चैट और इन द क्वेश्चन सेक्शन, अदरवाइज वी कैन रैप अप द वेबिनार. Okay guys, thank you so much. Thank you so much for attending the webinar, and we'll see you next weekend.